हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.6 के सवालों को। और यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो सवाल नंबर 11 है। इसके पहले हम लोगों ने सवाल नंबर 10 तक पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 11 से। यहाँ जो कि लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए, जस्ट वन सेकेंड, नंबर 11 हमारा यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि परवलय वाई स्क्वायर पर स्थित बिंदुओं, यानी कि इस पर जो स्थित है वो एक ये है और दूसरा बिंदु हमारा ये है, इस पर जो स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन बिंदु है वो इतना है, ये चीज आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो आई होप आप सवाल को समझ पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि एक परवलय है और वो परवलय हमारा ये है। ठीक, तो इस पर जो स्थित बिंदु है वो कौन सा है, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक, तो अब कहते हैं कि इस पर, इन बिंदुओं पर स्पर्शियों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो इतना है हमारा। ठीक, इस चीज को आपको सिद्ध करना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इस सवाल को लगाना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो वाई बराबर 4ax है, जो हमारा परवलय समीकरण है, इसको सबसे पहले हम उठाएंगे और इसका करेंगे अवकलन। ठीक, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है उनको निकाल लेना है। ठीक, स्पर्श रेखाएं जो है इस परवलय पर जो स्थित बिंदुओं पर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक, हमारा पहला टारगेट वही होगा कि पहले हमें उसको निकालना है, फिर उसके बाद उन दोनों स्पर्शियों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा उसको निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पर इस परवलय पर जो स्थित बिंदु है इन पर जो यानी स्पर्शी है उसको निकालना है। ठीक, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इसका, और इसको करेंगे यक्ष के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो इसका अवकलन यानी 2y² में करेंगे तो y² हो जाएगा हमारा यहाँ पर सिंपल सा 2y, और उसके बाद हो जाएगा dy में dx। ठीक, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 4ax में 4a जो होगा ये हमारा कांस्टेंट है और x का अवकलन कितना होता है, एक होता है। ठीक, ये हमारा अवकलन हो जाएगा, ये दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये 2y क्या है, यहाँ पर गुणा में है ना, इधर आ जाएगा भाग में, तो भाग का मतलब होता है बटा में, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स बचेगा और इधर हो जाएगा हमारा 2a बटे में यहाँ पर हो जाएगा y। ठीक, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ y बचा था तो y इधर आ गया भाग में, भाग का मतलब होता है बटा में आ गया। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद हमारे पास बिंदु कितने हैं, दो बिंदु है। ठीक, तो हमारा बिंदु जो है, अब इस बिंदु पर हम लोग यहाँ पर ये जो dy बाई डी एक्स है इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो यानी कि एक बिंदु हमारा है, यहाँ पर लिख देते हैं at1 का स्क्वायर पर प्रवणता, तो इस पर प्रवणता क्या हो जाएगा हमारा, प्रवणता मतलब डीवाई बाई डी एक्स। ठीक, तो इस पर डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स, तो इस बिंदु पर 2at1 इस पर हो जाएगा। देखो ये होता है हमारा यक्स का वैल्यू और ये होता है हमारा वाई का वैल्यू। ठीक, तो इसको हम लोग वाई के स्थान पर रखेंगे, तो इस बिंदु को इसके स्थान पर रखेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा, तो यहाँ पर जो हमारा एम हो गया इसको एम भी हम बोल सकते हैं। ठीक, यही हमारा एम होता है जो डीवाई बाई डी एक्स होता है, तो हमारा एम कितना हो गया, ये आ गया 1/t1। ठीक, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा का समीकरण है उसको निकालेंगे। ठीक, स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर लिख देंगे स्पर्श, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y-y1 बराबर में m x-x1 होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो y1 है वो क्या है, ये हमारा x1 का वैल्यू है और ये हमारा y1 का वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा वाई माइनस, इसके स्थान पर 2a1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/t1 हो जाएगा, उसके बाद यक्स माइनस यक्स वन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर at1 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सिंपल सा, उसके बाद हमारा सवाल लग जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग तिरिया गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये yt1 और इसको इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2at1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक टी वन ये, एक टी वन ये, तो एक एक दो हो जाएगा। ठीक, ये स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में इधर कितना बचेगा हमारा,
x माइनस ए टी वन का स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट वन सेकेंड। अब देखो इसको हम लोग इसको इधर भेज देंगे और यहाँ पर ये जो यक्स है इसको इधर भेज देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा वाई टी वन माइनस में यक्स बराबर में माइनस का टी ए वन का स्क्वायर माइनस में, ये माइनस में था इधर आ गया प्लस में, तो ये हो जाएगा टू ए टी वन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दो में से अगर हम लोग एक घटाएंगे, देखो ये एक है ये टू है, ठीक, मतलब कि अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए टी वन माइनस यक्स बराबर में यहाँ पर बचेगा ए टी वन का स्क्वायर, ये बचेगा, और इसको जो हम लोग इधर भेज देंगे तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा हमारा वाई टी वन माइनस में यक्स माइनस में ए टी वन का स्क्वायर बराबर में जीरो। ठीक, तो ये हमारा हो गया पहला पहला स्पर्शिका समीकरण। ठीक, उसके बाद हमारे पास एक बिंदु और है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिंदु दूसरा बिंदु हमारे पास है ए टी टू का होल स्क्वायर कामा टू ए टी टू, ये हमारा बिंदु है, इस पर प्रवणता क्या हो जाएगा हमारा, पर प्रवणता, ठीक, तो इस पर प्रवणता हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में कितना था, टू ए बटे में वाई था। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको वैल्यू रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा प्रवणता, डी वाई बाई डी एक्स ए टू टू कामा में ए टू टू बराबर, तो इस पर हो जाएगा हमारा टू ए बटे में वाई के स्थान पर हमें क्या लिखना है, टू ए टू, इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पर एक बचेगा। ठीक, तो यानी कि हमारा जो एम आ गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स जिसे एम बोल सकते हैं हम, ठीक, प्रवणता हमारा वही होता है एम, यानी डी वाई बाई डी एक्स जो होता है, तो ये आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर स्पर्शी का समीकरण, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श रेखा का, मतलब इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो यहाँ पर समीकरण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सूत्र होता है y माइनस वाई वन बराबर में m x माइनस x वन होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन के स्थान पर हमारा क्या है, टू ए टू, ठीक, और बराबर में m m के स्थान पर ये आ गया आपका। ठीक, तो यानी कि ये जो है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स माइनस यक्स वन के स्थान पर है ए टू टू का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग तीजा की दर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट वन सेकंड, इसमें इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वाई टू माइनस में टू ए टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, एक से गुणा करेंगे तो यही चीज रहेगा। ठीक, ये हो गया, अब इसको हम लोग इधर भेज देंगे जैसे इसके पहले वाले सवाल में किया, इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाई टू टू माइनस में यक्स हो जाएगा बराबर में माइनस ए टू का स्क्वायर है, और ये हो जाएगा इधर प्लस में टू ए टू टू का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा वाई वाई टू माइनस में यक्स बराबर में यहाँ पर हो जाएगा ए टू टू का स्क्वायर, और इसको जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में यक्स माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा स्पर्शिक समीकरण। ठीक, अब हमें क्या करना है, इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो हमें निकालना है। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग समीकरण एक, जो समीकरण एक तथा ये जो समीकरण दो बनाए हैं, समीकरण दो को घटाने पर, ठीक, तो इन दोनों को हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर हमें निकल आएगा इसका बिंदु। ठीक, इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, यानी तो समीकरण एक हमारे पास क्या था, तो समीकरण एक हमारे पास ये था माइनस में यक्स माइनस में ए टू का स्क्वायर, और समीकरण दो हमारे पास है वाई वाई टू माइनस में यक्स माइनस में इसका स्क्वायर बराबर में जीरो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर माइनस जब इसमें ब्रैकेट खोलेंगे तो इसमें माइनस हो जाएगा, मतलब इन सब का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई टी वन माइनस में यक्स माइनस में ए टू का स्क्वायर माइनस में वाई वाई टू और प्लस में यक्स प्लस में हो जाएगा ए टू का स्क्वायर बराबर में जीरो हो जाएगा। ठीक, और ये यक्स से ये यक्स कैंसिल हो जाएगा, और तो यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होने वाला, तो
तो यहाँ पर हो जाएगा वाई टी वन माइनस में हो जाएगा वाई टी टू, और ये हो जाएगा, और ये जाएगा ए टी का स्क्वायर और प्लस में ए टू टू का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग कामा ले लेंगे वाई, तो यहाँ पर टी वन माइनस में टी टू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस का ए कामा ले लेंगे, तो यहाँ पर टी वन का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी टू का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस में है, इसको पूरे को हम लोग इधर भेज देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा वाई टी वन माइनस में वाई टी टू और बराबर में हो जाएगा ए, और यहाँ पर देखो इसको ए स्क्वायर मान लो, पहले इसको इधर भेज देते हैं। ठीक, ये टी वन का स्क्वायर माइनस में टी टू का स्क्वायर हो जाएगा, और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसको हम लोग ए स्क्वायर मान लेते हैं, इसको बी स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस में भी और एक ब्रैकेट में ए माइनस में भी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई टी वन माइनस में वाई टी टू बराबर में ये हो जाएगा ए, और यहाँ पर एक ब्रैकेट में ये जुड़ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ये घट जाएगा। ठीक, तो जस्ट वन सेकेंड, तो ये हो जाएगा टी प्लस में वाई टू टू। ठीक, देखो ये वाला क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा वाई बराबर में टी वन प्लस में टी टू, तो ये आ जाएगा हमारा वाई का वैल्यू। ठीक, अब हम यहाँ इस वाई का वैल्यू को हम समीकरण चाहे एक में रख दें या समीकरण दो में रख देंगे, हमारा सीधा यक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, और जो यक्स का वैल्यू आएगा, और हमारा बिंदु क्या होता है, यक्स वाई होता है, तो यक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू जो आएगा वही हमारा बिंदु हो जाएगा। ठीक, चलो इसको हम समीकरण एक में रख देते हैं। ठीक, समीकरण एक से, समीकरण एक से। ठीक, तो समीकरण एक था हमारा वाई टी वन माइनस में यक्स माइनस में, तो यहाँ पर वाई का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टी वन प्लस में टी टू और ये हमारा टी वन हो जाएगा। ठीक, माइनस में यक्स माइनस में ए टी वन का स्क्वायर बराबर 0। ठीक, इसमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी वन के स्क्वायर और ये प्लस में टी वन इंटू में टी टू हो जाएगा और माइनस में यक्स हो जाएगा और माइनस में ए टी वन का स्क्वायर बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, और जस्ट वन सेकेंड, थोड़ा सा सॉरी, यहाँ पर ये जो ए था, यहाँ पर देखो ये ए है ना, इसको लिखना यहाँ पर भूल गए थे, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना। ठीक, तो यहाँ पर ए भी रहेगा, तो इसमें भी ए रहेगा और इसमें भी ए रहेगा। ठीक, समझ गया ना, अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, वही मैं सोच रहा था ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ ये दोनों बचेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा हमारा ये बचेगा और माइनस में यक्स बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर यक्स को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर यक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए टी वन और टी टू हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा यक्स का वैल्यू हो गया और ये हमारा वाई का वैल्यू हो गया। ठीक, जो हमारा बिंदु हो जाएगा, अतः यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि स्पर्शियों का, अतः स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यक्स का वैल्यू ए टी वन टी टू है और कामा वाई का वैल्यू है ए टी वन प्लस में टी टू। ठीक, ये हो जाएगा हमारा है। ठीक, तो ये प्रूफ करना था, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे इस सवाल को, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 12 को, कि सवाल नंबर 12 को हम कैसे लगाएं। ठीक, तो सवाल नंबर 12 में आपको दो सवाल देखने को मिलेंगे, एक सवाल नंबर 12 में ए बी करके दो सवाल हैं। तो पहला सवाल हमारा यहाँ पर जो लिखा है, वो यहाँ पर लिखा है कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर है 4x के नाभिलंब के सिरों पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, और दूसरा सवाल हमारा ये वाला है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पहला सवाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि दूसरा सवाल कैसे लगाएंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर इस सवाल को लगाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 4x, इसका एक नाभिलंब है। परवलय क्या होता है, ये आपका परवलय हो गया।
तो इस तरीके से कहते हैं एक परवलय है और इस परवलय का जो नाभिलंब है ये होता है नाभिलंब। ठीक, तो कहते हैं ये जो नाभिलंब है इसके सिरों पर स्पर्श रेखाएं, इसके ये जो सिर हैं इस पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, इन सिरों पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिंपल था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर में ये जो 4ax है, देखो इसका सबसे पहले आपको बता दें कि इसका जो नाभिलंब होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, ये होता है ए कामा 2a और ये होता है ए कामा माइनस का 2a। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ए कामा प्लस माइनस 2। ठीक, 2a, तो ये होता है हमारा नाभिलंब के सिरों पर जो निर्देशांक होता है। ठीक, तो इसको हम बिंदु बोल सकते हैं, तो ये बिंदु है। इस बिंदु पर हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा निकालना है, मतलब इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा निकालना है, तो इस बिंदु पर हमें निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आकलन कर देंगे, तो 2y dy/dx हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4ax हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वाई बटे में dy/dx हो जाएगा हो जाएगा 2y और इस y को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक, 2a बटे में y हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे इस बिंदु पर। ठीक, तो इस बिंदु पर जो हमारा हो जाएगा dy/dx की वैल्यू a कामा प्लस माइनस 2a पर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2a और बटे में y के स्थान पर प्लस माइनस हम लोग 2a रखेंगे, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा, जस्ट वन सेकेंड, तो यहाँ पर जो हमारा m आ गया यानी जो dy/dx आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया प्लस माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा का यहाँ पर निकालेंगे समीकरण। ठीक, तो स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा इन नाभिलंब के सिरों पर, तो ये जो सूत्र होता है y-y1 = mx-x1 होता है और यहाँ पर हो जाएगा हमारा y-y1 की वैल्यू, यहाँ पर जो बिंदु है हमारा वो क्या है, 2a यानी प्लस माइनस, इसके स्थान पर क्या है, प्लस माइनस 2a है। ठीक, और उसके बाद बराबर में m के स्थान पर हमारा प्लस माइनस 1 है, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा x-a हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार ये प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, यहाँ पर लिख दो धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो एक बार प्लस में है तो यहाँ पर एक बार माइनस में है, तो यहाँ पर आपको आपके पास दो यहाँ पर समीकरण आ जाएंगे। ठीक, तो एक बार यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, एक बार धनात्मक लेंगे, एक बार ऋणात्मक ले लेंगे, तो दो इस तरीके से हमें दो स्पर्श रेखा मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाई और इस यहाँ पर जो 2a है इस बार में क्या करना है, हमें प्लस वाला लेना है, बराबर में यहाँ पर प्लस में 1 हो जाएगा और x-a हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, y-2a बराबर में x-a, और इस 2a को हम लोग इधर भेज देंगे, x को इधर भेज देंगे, तो वाई माइनस में यक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 प्लस में 2a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा वाई माइनस में यक्स बराबर में प्लस का ए बचेगा। ठीक, और चाहो तो आप ए को इधर भेज सकते हैं या फिर इतने में ही छोड़ दो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका एक स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया, तो एक स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो गया, और दूसरा हो जाएगा हम यहाँ पर लिख देते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर। ठीक, तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई माइनस और इसके स्थान पर ऋणात्मक ले लिया और ये भी माइनस में है तो x-a हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस का 2a हो जाएगा और बराबर में माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये a हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पर y प्लस में x हो जाएगा और बराबर में a और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का a हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई प्लस में यक्स बराबर में माइनस का ए बचेगा। ठीक, और दूसरा ये हमारा हो गया। ठीक, तो ये दोनों हो गए हमारे क्या आ गए, आंसर हो गए। ठीक, इसमें सवाल में आपसे यही पूछा पूछा गया था कि परवलय के नाभिलंब के सिरों पर जो स्पर्श रेखा है उसका समीकरण हमें ज्ञात कीजिए। ठीक, तो
यहाँ पर एक तो स्पर्श रेखा ऊपर वाले में ये हो जाएगा, नीचे वाले में आपका ये हो जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ पर आपको हो जाए, यानी कि ऊपरे सिरे पर आपका ये हो जाएगा, निचले सिरे पर ये हो जाएगा, ठीक। तो नाभिलंब के दोनों सिरों पर यही स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं सवाल नंबर बी जो है उसको कैसे लगाना है, ठीक। तो सवाल नंबर बी यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि परवलय के नाभिलंब के सिरों पर जो स्पर्श रेखा होती है, जो स्पर्श रेखा होती है उसके बीच का आपको कोण निकालना, ठीक। यहाँ पर आपको कोण निकालना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, नाभिलंब के सिरों पर, यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि पहले स्पर्श रेखा निकालो, यहाँ पर कह रहे हैं कि स्पर्श रेखा जो होती है, यानी कि स्पर्श रेखा क्या, नाभिलंब के सिरों पर स्पर्श रेखा क्या होती है, ये जो आपने अभी निकाला, ठीक। अब तो आपको पता हो गया क्या होता है, तो इसके सिरों पर जो है ना, उस स्पर्श रेखा के बीच का कोण आपको निकालना है, समझ रहे हो ना। देखो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पर नाभि लंब के सिरों पर स्पर्श रेखाएं, ठीक। तो इसके सिरों पर स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, एक तो आपका होता है y माइनस में x बराबर में एक, ये हो गया आपका, ठीक, एक ये हो गया, और दूसरा होता है y माइनस में y प्लस में x बराबर में माइनस का एक, ठीक, दूसरा ये होता है। ये कहाँ से पता चला, ये अभी सवाल में आपने निकाला ना, ये देखो जस्ट वन सेकेंड, ये देख लीजिए, ये जो आपने निकाला, पहला ये निकाला, दूसरा ये निकाला, ठीक। तो अब आपको पता चल गया कि इसके नाभिलंब के सिरों पर जो स्पर्श रेखा होती है उसका समीकरण क्या होता है, तो वो आपने निकाल लिया, इसलिए अब आपको यहाँ पर आसान हो गया इस सवाल को लगाने में। तो अब देखो ये होता है, अब हमें इन दोनों के बीच का कोण निकालना है, ठीक। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों का पहले प्रवणता पता करना है, इन दोनों के बीच में कोण निकालने के लिए हमें इनका पहले प्रवणता पता होना चाहिए, ठीक। और प्रवणता का मतलब होता है डीवाई बाई डीएक्स हमें पता होना चाहिए, हम लोग इनका आकलन कर देते हैं ताकि हमें डीवाई बाई डीएक्स मिल जाए, ठीक। तो समीकरण एक से बोल सकते हो कि समीकरण एक से, तो यहाँ पर वाई माइनस में एक्स बराबर में ए है, इसको हम लोग अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डीवाई बाई डीएक्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा एक हो जाएगा, और इसका हो जाएगा जीरो अवकलन, ठीक। तो यहाँ पर डीवाई बाई डीएक्स बराबर में एक को उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि डीवाई बाई डीएक्स यानी जो हमारा एम आ गया वो हमारा प्रवणता कितना आ गया, एक आ गया, ठीक। यानी कि इसको हम लोग यहाँ पर दो हैं इसलिए इसको हम M1 मान सकते हैं, ठीक। अब समीकरण दो से, तो समीकरण दो क्या हमारा वाई प्लस में यक्स बराबर में माइनस का ए है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जस्ट वन सेकेंड, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डीवाई वाई में डीएक्स, और इसका करेंगे तो एक हो जाएगा, और इसका अवकलन जीरो हो जाएगा, ठीक। तो जब हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो जो डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है इधर, यही हमारा एम का वैल्यू है, तो यानी कि ये दूसरा हो गया, तो M2 इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास M1 और M2 आ गया। अब हम इन दोनों को आपस में गुणा करके देखते हैं, और गुणा करने पर देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, M1 और M2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे M1 की वैल्यू कितना है, एक है, और M2 की वैल्यू कितना है, माइनस एक है, दोनों गुणा करेंगे कितना आ गया, माइनस एक आ गया, यानी M1 इंटू में M2 बराबर माइनस एक आ गया। अगर M1 और M2 को आपस में गुणा करने पर माइनस एक आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि कुछ भी हो, अगर उसका कोई भी हो, मतलब कोई भी रेखा हो, अगर उन दोनों रेखा को आपस में मतलब उनका जो प्रवणता है, अगर आप उसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे और उनका प्रवणता अगर माइनस एक आ गया, तो इसका मतलब कि वो दोनों रेखाएं आपस में लंबवत हैं। लंबवत का मतलब होता है कि 90 अंश के डिग्री पर हैं, ठीक, ऐसे 90 अंश के डिग्री पर हैं। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने में M1 और M2 इन दोनों का प्रवणता मल्टीप्लाई करने पर माइनस एक आ गया, अतः हम बोल सकते हैं, कि स्पर्शियां यानी नाभिलंब पर जो स्थित, सिरों पर जो स्थित स्पर्शियां हैं, स्पर्शियां एक दूसरे को लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत लंबवत हैं, ठीक। तो यहां पर अगर लंबवत हैं अतः इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण
अगर लंबवत है तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। और इस चैप्टर या आपका जो अभ्यास है वो समाप्त हो चुका है। इस प्रश्नावली में यानी प्रश्नावली 6.6 में कुल 12 सवाल थे, और 12 सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इसके पहले वाले सवालों को आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर वीडियो को देख लेना, ठीक। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं, ठीक। और अपने और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भूलें, तो जरूर शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल सके और उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक, और वो भी अच्छे से पढ़ सकें। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।